माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम स्कूल की जो गवर्नमेंट स्कूल की यूनिफॉर्म होती है उसकी कटिंग करनी बताएंगे कि किस तरह से यूनिफॉर्म को कट किया जाता है, क्योंकि यूनिफॉर्म है वो सिंपल ही चलती है, तो इस तरह से सिंपल सूट की कटाई भी हो जाएगी और साथ में हमारी यूनिफॉर्म की भी कटाई हो जाएगी। तो इस तरह से मैं कटिंग और स्टिचिंग है दोनों आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बताऊँगी। तो ये मैंने 2 मीटर का फैब्रिक ले लिया है कुर्ती के लिए और 2.5 मीटर का फैब्रिक ले लिया है हमने सलवार के लिए। तो सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। कपड़े को खोलेंगे, इस तरह से पूरे के पूरे कपड़े को हमने फुल लेंथ में खोल लिया है। इस तरह से सबसे पहले लंबाई देख, तो इसकी जो लेंथ है वो हमने रख ली है 40 इंच, 40 इंच लेंथ रख ली है। अब इसकी जो चौड़ाई है, घेरा हमारा 20 इंच तैयार है, तो यहाँ पे हमने ये 12 इंच का रेडी कर लेना है, 12 इंच, क्योंकि यहाँ पे एक एक इंच है वो कटिंग पे नहीं फोल्डिंग में आ जाएगा। तो इस तरह से 22 इंच के हमने 11 इंच के यहाँ पे रख लेना है 22 इंच, तो 11 इंच में निशान लगाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमने तीरे का निशान लगाना है 7 इंच, 7 इंच हमने आर्म होल का निशान लगा लेना है। इस तरह से इस निशान को सीधा कर लेंगे और हम ब्रेस्ट का नाप रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 9.5 इंच, 18 इंच है तो उसका हाफ हो गया 9.5 इंच। 5 इंच डाउन हमने कमर का निशान लगा देना है, तो ये है हमारा 9 इंच यहाँ पे निशान लगा। अब यहाँ से हमने हिप का नाप लगाना है, वो 22 इंच पे लगाना है, 22 इंच नीचे डाउन करेंगे, निशान लग गया यहाँ पे। हिप का निशान है वो 20 इंच, तो 20 का हाफ हो गया 10, तो इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से निशान है वो लग चुका है। यहाँ पे हमने 1 इंच की गुलाई दे देनी है, 1 इंच का निशान लगा के यहाँ से इस तरह से गुलाई दे देनी है हमें, और ये हमारा नीचे का हो गया। यहाँ से हमने 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ के 1.5 इंच का यहाँ से हमने कटिंग का निशान लगाएंगे, ये हमारा सिलाई का निशान हो गया और ये हमारा हो गया कटिंग का निशान। यहाँ पे हमने सीधा लेके जाना है नीचे, यहाँ तक निशान लगा लेंगे। अब गले का निशान भी लगाएंगे, 3 इंच का हमने चौड़ाई में गला ले लेना है, 3 इंच में निशान लगाएंगे, 3 इंच डाउन इस तरह से। अब यहाँ पे हमने गुलाई दे देनी है इस तरह से, तो ये हमारे पूरे निशान लग चुके हैं। अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। तो फ्रेंड, ये पूरी हमारी कटिंग हो चुकी है, बाजू की भी यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अब इसका जो फ्रंट शर्ट का पीस है उसको हमने अलग कर लेना है, इस तरह से बीच वाले को हमने निकाल देना है, इसको सेट करेंगे। जो फ्रंट का गला है फ्रेंड्स, वो हम थोड़ा डीप रखेंगे, तो यहाँ पे हमने 5.5 इंच पे निशान लगाना है, 5.5 इंच निशान लगाया यहाँ पे, इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे, इसी निशान के साथ सीधा करना है। और इसी तरह से हमने 1/2 इंच की यहाँ पे कटिंग कर देनी है, डीपनेस दे देंगे ताकि जो फिटिंग है वो सही आ जाए। ऊपर से हमने कटिंग नहीं करनी है, ऊपर से उसी निशान के साथ मिला देना है, और यहाँ से हमने 1/2 इंच की ये कटिंग है वो कर देनी है।
इस तरह से गले की और फ्रंट के पल्ले की कटाई हो चुकी है। चलो ही अभी इसकी बाजू की कटिंग करेंगे हम। तो हम कंधे की कटाई कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये जो कपड़ा बचा था उसी को फोल्ड करके रख लिया है। हमने यहाँ से 10 इंच लेना है फ्रेंड्स, पूरा 10 इंच लेंगे क्योंकि सिलाई का मार्जिन लिया जाता है। बाजू की लंबाई हमने वो 9 इंच लेनी है, तो 9 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे इस निशान को हम सीधा करेंगे। अभी हमने 3 इंच यहाँ पर डाउन करना है, इस निशान को भी हमने सीधा कर लेना है। अब फ्रेंड अब हमने इस निशान को इस तरह से बुलाई देते हुए यहाँ तक ले आना है और यहाँ पे हमने इसकी बाजू की जो आगे से खुली रखेंगे वो 5.5 इंच है। 5.5 इंच निशान लगा के यहाँ से हमने इसको सीधा कर देना है। यहाँ से सीधा कर दिया, ये हमारा सिलाई का निशान हो गया और 1-1 इंच हम कटिंग के लिए रखें। ये देखिए यहाँ से सीधे जाके हमें ऊपर से कटिंग दे देनी है। तो इस तरह से ये बाजू की भी कटिंग हो चुकी है। अब इसके अगले पल्ले की कटाई है, वो भी हमने तो बाजू की कटिंग हो चुकी है। हम सेंटर पे एक कट लगा लेंगे ताकि सेंटर का पता रहे। हमने यहाँ पे कट लगा लिया, एक जहाँ पे हमने 1 इंच की जहाँ पे फोल्डिंग देनी है वहाँ पे भी हमने निशान लगा लेना है। इस तरह से जहाँ से निशान लग गया, अब जहाँ पे हमने सिलाई लगानी है यहाँ पे, ये हमारा कटिंग का निशान था, जहाँ पे हमारा सिलाई का निशान था, तो इसको भी हमने पकड़ के यहाँ से एक कट का निशान लगा देंगे। इससे आसानी रहती है सिलने में, जब हम सिलते हैं तो इस तरह से ये हमारे कट्टा बारीक बारीक लग चुके हैं, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं आने वाली। अब हमारे सूट की जो कमीज की कटिंग है वो फ्रेंड देखिए बिल्कुल आसानी से हो चुकी है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी सिलाई करके बताऊंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।